टेरिलीन स्टूडेंट टेंथ क्लास आर में एट्थ चैप्टर के अंदर आ, सिंथेटिक फाइबर का जो टॉपिक है पॉलीमर के अंदर सिंथेटिक फाइबर उसमें से एक टॉपिक आता है टेरिलीन यानी कि ये एक सिंथेटिक फाइबर का टाइप होता है एग्जाम्पल भी कह सकते हैं ये जो टेरेलीन होता है इसका अनदर नेम होता है डेकरोन टेरिलीन को ही डेकरोन कहा जाता है और ये जो टैरिलन है अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें इसका यूज़ जो होता है वो विनिंग करने में विनिंग कॉम्बिनेशन में दूसरे फैब्रिक इसमें मिलाकर इजीली इजिली इसकी बुनाई की जा सकती है और ये इसकी केयर करना भी इजी होता है इजी टू क्लीन होता है और क्लीनिंग में बहुत कम टाइम इसमें यूज़ लगता है और कंफर्टेबल भी होता है तो टेरेलिन के ये सब एडवांटेज हैं अब देखिए टेरिलीन एक पॉलीमर है तो अगर पॉली पॉलीमर है तो पॉलीमर में एक क्या क्या चाहिए होता है पॉलीमर के अंदर कुछ मोनोमर चाहिए क्योंकि मोनोमर के रिपीटेशन से ही क्या बनता है पॉलीमर बनता है तो अपने को इसमें दो मोनोमर्स के नेम याद रखने हैं टेरीथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल टेरीथेलिक एसिड जो है स्पेलिंग में अपने को पी को साइलेंट रखना है टेरीथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल इन दो के पॉलीमराइजेशन से टेरिलीन बनेगा अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें हम एक बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन स्ट्रक्चर और जब भी कभी आपको आईसी एसिड कहीं भी किसी केमिकल में दिखता है तो वहाँ पर सी ओ ओ एच ग्रुप लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है ये फॉर्मूला होता है सी डबल बोन ओ ओ एच तो करना क्या है हमें एक बेंजिन स्ट्रक्चर बनानी है कार्बन डबल बोन ओ ओ एच आगे और पीछे भी सी ओ ओ एच बहुत ही सिंपल है देखिए बेंजिन के आगे सी ओ ओ एच बेंजिन के पीछे सी ओ ओ एच ये बन गया टेरिथेलिक एसिड और इस टेरिथेलिक एसिड में हमें एन मॉलिक्यूल लेने हैं इसके इसके साथ ही हम क्या लेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होगा स्ट्रेंड्स इसमें हमें इथाइलिन लेना है यानी कि सी एच टू और सी एच टू तो दो एटम इसमें आ, कार्बन की हो गई तो ईथ वर्ड इसी से आया है इथाइलिन और साथ में अपने को क्या लिखना है ग्लाइकोल है इसमें ग्लाइकोल के अंदर क्या होगा जब लास्ट में ओएल लिखा हुआ हो तो बच्चों उसमें हमें OH कनेक्ट करना होता है सिर्फ ओ एच सी डबल बोन ओ ओ एच नहीं इसमें आई सी एसिड था तब तो ओ एच तो है लेकिन साथ में सी ओ ओ एच है ये पूरा कार्बन के साथ है कार्बोक्सिलिक एसिड और जब ओ एल लिखा हुआ मिलेगा तब हमें क्या लेना है सिर्फ ओ OH एच को कंबाइन करना है सी ओ ओ एच को नहीं तो हम इसमें आगे सी ओ एच OH लगा देंगे पीछे भी ओ OH एच लगा देंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला बन गया इसके भी हमें कितने मॉलिक्यूल लेने हैं एन मॉलिक्यूल लेने हैं जब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होगी हम आगे एरो के साइंसेस को शो करेंगे पॉलीमराइजेशन होगा तो उससे टेरिलन बन जाएगा बच्चों टेरिल कैसे बनाना है अपने को हमें टेरिथेलिक एसिड में से क्या निकालना है वाटर हटाना है और इथैलिन ग्लाइकोल से भी वाटर बनाना है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है वही एच टू ओ और एच टू ओ के लिए क्या क्या चाहिए एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन तो अब आपको हाइड्रोक्साइड आयन इसमें से दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोक्साइड आयन इधर से H निकालेगा यानी कि ओ OH तो हो गया तो और क्या चाहिए अपने को H और चाहिए तो इसमें से H रिमूव हो जाएगा इधर से ये वाला ओ OH है अपने पास वाले में से H ले लेगा ले तो इसमें से ये H हट जाएगा दिस H एंड दिस ओ एच कम्बाइंड टूगेदर एंड मेक एच टू ओ दिस ओ एच दैट एच कंबाइन टुगेदर एंड मेक एच टू ओ तो इसमें से ये एच टू ओ हट जाएगा अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने को लिख देना है बॉन्ड को थोड़ा सेट करके कि इसमें से ओ OH एच हट गया है तो क्या बचा सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचा इस सिंगल बॉन्ड को हम थोड़ा ब्रैकेट के आगे या थोड़ा ब्रैकेट के पीछे शो करेंगे और इसमें से क्या है कार्बन लिखा डबल बोन ओ बेंजीन सेम सी डबल बोन ओ फिर इधर से ओ OH एच हट चुका है तो हम ओ OH एच को नहीं लिखेंगे इसमें से फिर इधर से एच हट चुका है तो एच भी नहीं लिखेंगे सिर्फ ओ लिखना है इधर से ओ लिखा हमने कंबाइन कर दिया सीधा इसको सी एच टू सी एच टू सिंगल बोंड ओ और फिर सिंगल बोन्ड और लगाना है ब्रैकेट क्लोज करना है इन दोनों के एन मॉलिक्यूल थे तो हम ब्रैकेट के नीचे एन मॉलिक्यूल लिख देंगे और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से सेपरेट हो गए हैं एच टू ओ कितने मॉलिक्यूल हैं एन मॉलिक्यूल है तो हम स्टार्टिंग में इसमें एन लिख देंगे तो इस तरीके से एन मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए वाटर के और अपने पास टेरिलन या फिर डेक्रोन का जो मॉलिक्यूल है वो बन गया यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हैं पॉलीमर बन चुका है अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये जो टेरिलिन होता है इसको बोट सेल्स में इसको यूज़ किया जाता है आ, जो बोट होती है उनकी सेल्स में यूज़ करते हैं सेल्स बनाने में बेल्ट बनाने में इसको यूज़ में लिया जाता है इसी को मैग्नेटिक uh, टेप बनाने में यूज़ में लिया जाता है और फिल्म बनाने में इसमें लिया जाता है तो ये इसके यूज़ेस हैं बोट सेल्स बेल्ट एंड मैग्नेटिक टेप एंड फिल्म बनाने में इसको यूज़ में लेते हैं तो टेरेलिन जो है एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं टेरेलिन है ये एक सिंथेटिक फाइबर है इसका अनदर नेम डेक्रोन है इट इज़ यूज इट इज़ यूज टू विनिंग कॉम्बिनेशन इन फैब्रिक्स एंड इट इज़ कम्फर्टेबल इट इज ऑल्सो नॉन एज डेक्रोन पॉलीमराइजेशन में टेरिथेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल आर कम्बाइंड टूगेदर बाय पॉलीमराइजेशन एंड टेरिलीन इज ऑप्टीन टैरिलीन का यूज होता है बोर्ड सेल्स में बेल्ट में मैग्नेटिक टेप और फिल्मेज का यूज होता है